अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह ताला आपको हमेशा खैरियत से रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी वो मैं भिंडी चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आधा किलो कीमा लिया है बीफ का। ये मैंने एक प्याज लिए, इसे मैंने चॉप कर लिया है, और दो टमाटर लिए, इसे ही मैंने चॉप करी, और भिंडी मैंने लेके धो के इनके किनारे कट करके और बीच में से कट कर लिया है इसको। बाकी जो मसाले जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ इसमें। ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है एक चम्मच, आधा चम्मच धनिया पाउडर है, आधा चम्मच नमक है, एक चम्मच सुर्ख मिर्च लिया और आधा चम्मच हल्दी ली है। मैंने चूल्हे पे पैन रख दिया था, इसमें आधा कप मैंने ऑयल डाला है। पहले मैं इसमें भिंडी फ्राई कर लूंगी और साथ आधी प्याज। भिंडी और प्याज फ्राई होगी, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। प्याज जो मैंने बचा ली थी वो मैं इसको ब्राउन कर लूंगी इसी ऑयल में। ये प्याज हमारी लाइट ब्राउन होगी, अब मैं इसमें कीमा डाल दूंगी। कीमा प्याज के साथ हमारा अच्छा सा ब्राउन हो गया, अब इसमें अदरक लहसुन और मसाले सारे डाल दूंगी। टमाटर डाल दूंगी, टमाटर डाल के मैं इसको अच्छी तरह भून के 5 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी, जब तक टमाटर गल जाए। प्याज और भिंडी डाल दूंगी इसमें, मिर्च डाल के मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखूंगी। अब मैं गार्निशिंग करती हूँ, इस पर हरा धनिया डालती हूँ थोड़ा सा, और साथ ही इस पर हरी मिर्च डाल देती हूँ, और इसको मैं डिश आउट करती हूँ। भिंडी कीमा हमारा रेडी हो गया है, आप इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।